पहले सीक्वेंस में एपी आता है, तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। तो आपको मान लीजिए कि एपी में आप लोग टेंथ में पढ़े थे, तो आप टेंथ में पढ़े थे और फिर दोबारा पढ़ने जा रहे हैं, दो बार पढ़ने का क्या फायदा है? दोनों में वही चीज है, हल्का सा यहाँ पर थोड़ा मोड़ा अर्थमेटिक मीन आ जाएगा और थोड़ा सा प्रॉब्लम का लेवल बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। बाकी एपी जो तुम टेंथ में पढ़े हो वही है। तो हम एपी स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा एपी होता क्या है। कभी भी कोई सिक्वेंस है ए ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ये सिक्वेंस को देखो ये बढ़ता जा रहा है, लास्ट में टी एन है। हमेशा कोई सिक्वेंस में सबसे पहला टर्म टी वन होता है, सेकेंड टर्म को टी टू बोलते हैं, थर्ड टर्म को टी थ्री बोलते हैं। यहाँ पर ये टी वन है, ये हमारा टी टू है, ये टी थ्री है, ये टी फोर है, ये लास्ट में ये हमारा टी एन है। नियम रहता है फॉर एपी के लिए, फॉर एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, फॉर एपी के लिए टी टू में से टी वन माइनस करो, चाहे टी थ्री में से टी टू माइनस करो, चाहे टी फोर में से टी थ्री माइनस करो, सबका वैल्यू इक्वल होगा, वो सारा वैल्यू डी के बराबर होगा। ये जो डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ये जो डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो एपी में हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, हम फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, और कॉमन डिफरेंस को हम डी बोलते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एपी में फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। हमारे पास जो भी सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस में हमको फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये टर्म जो निकलता है इसके बीच का डिफरेंस, जैसे एग्जांपल लेते हैं 2, 4, 6, 8... इसका टी टू से टी वन को माइनस करो 2 देगा, टी थ्री से टी टू को माइनस करो 2 देगा, मतलब आप हमेशा 2 ही पाओगे। कहने का मतलब है फर्स्ट टर्म ए कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होगा, तब यह सीक्वेंस एपी में कहलाएगा। तो हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला होता है, फर्स्ट फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू, हमारा टी एन क्या होता है समझिएगा, टी एन मतलब नंबर ऑफ टर्म नहीं बोलता है, एनवा टर्म बोलता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये ए प्लस ए फर्स्ट टर्म हुआ, एन माइनस वन इंटू डी, डी हमारा कॉमन डिफरेंस है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तुम बोलोगे भैया ये फॉर्मूला आप कैसे लगाए, देखिए ये हमारा टी वन है, ये हमारा टी टू है, जस्ट बगल में टी थ्री है, टी थ्री में ए प्लस टू डी है, टी फोर में ए प्लस थ्री डी है, इसी तरह ये सीक्वेंस जब टी एन जाएगा एन में ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फ्रॉम बिगिनिंग ये पहला है, शुरुआत से टी एन का वैल्यू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। नंबर टू, टी एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये फ्रॉम लास्ट, फ्रॉम एंड, अंतिम से कभी कभी पूछ देता है, अंतिम से पूछे तो टी एन का वैल्यू देगा एल, एल मतलब लास्ट टर्म, माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये दो फॉर्मूला आप लोग टेंथ में भी पढ़े थे, टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी और टी एन का फॉर्मूला एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। नंबर थर्ड फॉर्मूला हम ऊपर इरेज करेंगे, जिसको कुछ लिखने का मन होगा लिखिएगा, फॉर्मूला मेन है एपी में, मेन फॉर्मूला है, फॉर्मूला टू के बाद फॉर्मूला थ्री, SN, sum of n term, n by 2, first term plus last term, याद है कि नहीं है भगवान जाने, first term plus last term, SN मतलब number of term का summation, जब number of term का summation कीजिएगा तो क्या होगा, SN is equal to, n by 2, first term plus last term, या तो इसी SN को क्या बोलोगे, n by 2, याद है कि नहीं है, 2a plus n minus 1 into d, ये हमारा SN है, n by 2, first term plus last term। आज क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बस फॉर्मूला दे रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आप बस फॉर्मूला देखिएगा, टेंथ का मन होगा तो AP बना लीजिएगा, 11th AP में भी घुसिएगा नहीं, ठीक है। n by 2, first term plus last term, और SN is equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into d। नंबर फिफ्थ, TN का ये भी फॉर्मूला होता है, SN minus SN minus 1, ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा, TN का वैल्यू SN और बीच में माइनस SN माइनस 1, मतलब कभी भी n टर्म के सम में से उसके जस्ट पहले वाले टर्म तक के सम को माइनस कर दोगे तो TN निकल जाएगा। नंबर सिक्स, ये हमारा फर्स्ट
Tn, second Tn, number Sn हो गया n by 2, first term plus last term, फिर Sn हुआ n by 2, 2a plus n minus 1 into d, और इसमें एक number six आता है arithmetic mean, क्या आता है? arithmetic mean, कुछ कुछ question इधर उधर हो सकता है, कुछ कुछ formula आगे में दिया रहेगा, लेकिन सुन लीजिएगा, arithmetic mean, am बोलते हैं, arithmetic mean, between a and b, a और b के बीच का arithmetic mean, समझिएगा, ये new topic है आपके लिए. अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन सिंपल सा एक टॉपिक है. अर्थमेटिक मीन क्या होता है? दो टर्म रहेगा और उसके बीच बोलेगा एक टर्म चाहिए जिससे ये सीक्वेंस आर इन एपी में हो जाए. आर इन एपी में हो जाए, नियम सुनिए. अर्थमेटिक मीन टॉपिक है जिसमें बोला दो नंबर के बीच में एक मीन चाहिए. इसका ये मतलब है वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि दोनों के बीच में रखने पे वो तीनों टर्म एपी में हो जाए. तो सुनिएगा, ये टी वन है, ये टी टू है और ये टी थ्री है आपके हिसाब से. टी टू माइनस टी वन इजकल टू टी थ्री माइनस टी टू, एपी का यही नियम होता है. तो कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए, ए को इधर ले आओ, टू ए इजकल टू ए प्लस बी. तो फाइनली आपको अगर देखा जाए तो अर्थमेटिक मीन जो होगा ए प्लस बी बाई टू, सिंगल अर्थमेटिक मीन ए इजकल टू, याद रखना सिंगल अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई टू. हम यहाँ सिंगल अर्थमेटिक मीन नहीं समझाने जा रहे हैं, अभी हम यहाँ एन अर्थमेटिक मीन समझाएंगे. हम अभी तक जितना फॉर्मूला पढ़े उसमें टी एन पढ़े, एस एन पढ़े, फिर ये स्पेशल टी एन पढ़े, फिर अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी. ये सिंगल सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी ये टॉपिक है जिसमें हम बताए एक तरफ ए है एक तरफ बी है, बीच में एक टर्म ए चाहिए जिससे सीक्वेंस एपी में हो जाए. तो आप एक तरफ टी वन रखें, एक तरफ टी थ्री है, बीच में कैपिटल ए माने. आप नियम के हिसाब से टी टू माइनस टी वन इक्वल टू टी थ्री माइनस टी टू, कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए, स्मॉल बी माइनस कैपिटल ए. यहाँ से टू ए का वैल्यू आया ए प्लस बी, यहाँ से ए का वैल्यू आएगा ए प्लस बी बाई टू. ये हमारा हो जाएगा सिंगल अर्थमेटिक मीन. हम ऊपर सब इरेज करेंगे, अगर नोट करने का मन है या तो ये स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा. ऊपर सब इरेज कर रहे हैं क्योंकि टाइम का अभाव नहीं है, अब हम कुछ और बताने जा रहे हैं. आइए स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए जो भी है जिनके पास भी है. एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, बात को समझना, इसके साथ एग्जाम्पल भी दिखाएंगे. एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, इसका ये मतलब हुआ एक तरफ ए है एक तरफ बी है, इसके बीच में एन ए वन ए टू ए थ्री समझिएगा. हमारे पास एक तरफ ए है एक तरफ बी है, बीच में एन टर्म चाहिए और एन टर्म ऐसा चाहिए, समझिएगा, एन टर्म ऐसा चाहिए कि ये पूरा सीक्वेंस एपी में हो. तो एक तरफ स्मॉल ए एक तरफ स्मॉल बी और ये पूरा सीक्वेंस को देख लीजिए, ये पूरा सीक्वेंस एपी में होना चाहिए. तो कुछ लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, कुछ लोग बोलेगा भैया आप क्या बताना चाह रहे हैं. हम जो बताना चाहेंगे हम जस्ट बगल में एग्जांपल दे देंगे. टू और ट्वेंटी के बीच में आठ गो एन चाहिए, आठ एट अर्थमेटिक मीन. एट अर्थमेटिक मीन मतलब टू और ट्वेंटी के बीच में ए वन चाहिए ए टू चाहिए डॉट 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 एक तरफ ए एट चाहिए, मतलब वही कहानी है. हम एक एग्जाम्पल भी साथ में लेके चल रहे हैं और इधर इधर भी हम साथ में एग्जाम्पल के साथ थ्योरी भी लेके चल रहे हैं. एक तरफ ए है एक तरफ बी है, बीच में एन अर्थमेटिक मीन. तो सोच के बताओ, अगर देखोगे यहाँ से शुरुआत करोगे फर्स्ट टर्म से तो लास्ट टर्म का टोटल टर्म कितना होगा? टी एन प्लस टू. कुछ लोग समझ गया होगा टी एन प्लस टू क्यों लिखिए, क्योंकि बीच में एट है. अगर यहाँ हम बोलेंगे टी टेन, मतलब शुरुआत से गिनती की नहीं, ये कौन सा टर्म होगा? बीच में आठ टर्म है शुरुआत और लास्ट, टोटल टेन टर्म होगा. उसी तरह बीच में एन टर्म है तो लास्ट टर्म को हम एन प्लस टू बोलेंगे. ये अभी जस्ट फॉर्मूला पर है ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन मतलब एन प्लस टू माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस हम डी मानिए बराबर बी. ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी इजकल टू बी, यहां से डी इजकल टू बी माइनस ए डिवाइड में एन प्लस वन. ये जो d निकल जाएगा, समझिएगा d निकल जाएगा, ये तो फॉर्मूला है. जब d निकल जाएगा तो आपसे हम a1 पूछेंगे, a1 आपको a के जस्ट बाद में a1 है, a1 का वैल्यू देगा, a में d जोड़िएगा, a2 पूछेगा a में 2d जोड़िएगा, a3 पूछेगा a में 3d जोड़िएगा. इस तरह आपका सीक्वेंस में जो भी टर्म है an पूछेगा a प्लस nd पूछिए बताइएगा. आपका ये क्वेश्चन था,
देखिए ये जो क्वेश्चन दिए हैं हर्षित, यहाँ ध्यान दो, पहले फिर हम बताएंगे, जो भी बताना हो दोबारा बताएंगे। हमारे क्वेश्चन में 2 से लेके 20 तक के बीच में 8 अर्थमेटिक मीन चाहिए था, तो हमारे इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू 20 है, हमको डी फाइंड करना है। डी क्यों फाइंड करना है? क्योंकि बीच का टर्म हमको जानना है, तो बी जानेंगे तो ही बीच का टर्म जानेंगे। तो डी का फॉर्मूला याद कर लिए है, डी बराबर बी माइनस ए बाई एन प्लस वन। डी बराबर बी है 20, ये है 2, डिवाइड में 8 बोला था, तो 8 प्लस 1 तो 18/9, तो 2 आया। मतलब बी का वैल्यू अगर हमको 2 आ गया, बात समझिएगा, डी होता है कॉमन डिफरेंस। डी अगर हमको 2 हो गया तो हम आप बोलेंगे a1=4, a2=, आपको अपने 6, a3=8, a4=10, आपको ऐसे भी निकाल सकते थे, a5=12, शुरुआत से बताते हैं। तब तक हर्षित कुछ पूछा था, उसका भी व्हाट्सएप पे देख लेते क्या पूछा था, फिर हम दोबारा समझाएंगे। हर्षित हर्षित, हाँ हम जान रहे थे हर्षित यही पूछेगा। आइए हम ये टीएन प्लस टू कैसे लिखिए, कुछ लोग ये जानकारी चाहता है, टीएन प्लस टू समझना बात को, ये कैसे लिखिए, यहीं से स्टार्ट है। हमको इधर ए है इधर बी है, एक तरफ हम खड़ा है एक तरफ तुम खड़ा है, बीच में 20 आदमी खड़ा है, तो टोटल तुम्हारा नंबरिंग क्या होगा? अगर 20 यहां से मेरे जगह से स्टार्ट करो और बीच में 20 इंसान है, तुम उसके बाद में हो, तुम्हारा नंबरिंग क्या होगा? तुम्हारा नंबरिंग क्या 20 होगा 20 होगा? नहीं ना, तुम्हारा नंबरिंग 22 होगा। मतलब बीच में जितना इंसान है उसमें 2 ऐड कर दो। क्यों 2 ऐड करो? क्योंकि शुरुआत तुम यहां से करोगे, ये तुम्हारा T1 होगा और ये लास्ट वाला टर्म जो होगा ये TN प्लस 2 होगा। भले तुमको यहाँ A1 A2 नाम दिए हो, तुम शुरुआत करोगे फर्स्ट टर्म T1 से और लास्ट टर्म जो जाओगे वो TN नहीं होगा, वो TN प्लस 2 होगा। उसी तरह यहाँ बीच में 8 टर्म है, अगर तुम सोचो ये 9 और ये 10, तो 20वां वाले टर्म को 8+2। उसी तरह से हमको लास्ट टर्म पता था B, शुरुआत का टर्म पता था A, बीच में टोटल हमको N टर्म चाहिए, तो टोटल टर्म का संख्या हो गया N प्लस 2 बराबर B, फॉर्मूला हो गया A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू B। यहां से 2 से 1 गया, 1 हो गया, तो फाइनली हम जो D का फॉर्मूला निकाले, स्टार मार लो, यही D हमको हमेशा इंपॉर्टेंट है। जैसे D निकल जाएगा हम A1 निकालेंगे A प्लस D, A2 निकालेंगे A प्लस 2D, A3 निकालेंगे A प्लस 3D, इस तरह लास्ट में 8 अर्थमेटिक मीन निकालना था, एग्जांपल के साथ बताएं। तो एग्जांपल में 8 अर्थमेटिक मीन निकालना है विद 2 और 20 के बीच में, उतना मेहनत नहीं करना है। A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 20, A का वैल्यू 2, B का वैल्यू 20, D का वैल्यू नहीं पता है, टोटल N का वैल्यू 8 है, मतलब आप b=b-a/n का फॉर्मूला लगाओ, b निकला 2, ऐड करते जाओ, तुम्हारा टर्म निकलते जाएगा। अब भी नहीं समझ में आया, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार 3 बार वीडियो देखना है। लोग हॉस्पिटल गए हैं, कुछ लोग तबीयत खराब है, कुछ लोग का शादी ब्याह चल रहा है, कुछ लोग मीटिंग में गए होंगे, डेटिंग में, बहुत दिन बाद में मिलते हैं, इधर उधर बेचारे लोग को बहुत कम टाइम मिलता है, उसी कम टाइम में देख लीजिए, पढ़ लीजिए। आइए देखिएगा नंबर 1, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बाद में आप टेंशन लीजिएगा। 3 टर्म एपी में मानना है, तो a माइनस b, a a प्लस b, ये टेंथ में भी पढ़े होंगे। 3 टर्म कभी भी एपी में मानना हो, जरूरी नहीं है कि उसी तरीका से मानिएगा, a a प्लस d, ऐसे मानने से प्रॉफिट होगा। क्या प्रॉफिट होगा? क्वेश्चन जब आएगा तो आपको पता चलेगा। a माइनस b, a और a प्लस b, जब 3 टर्म मानना है। नंबर 2, जब 4 टर्म मानना है एपी में, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। कुछ लोग को समझ में आ जाता है, कुछ लोग को दिक्कत होता है। दिक्कत यही है, 4 टर्म माने हो, ऐसे लिखने से प्रॉफिट क्या है? जब इसको माइनस करोगे तो सबका कॉमन डिफरेंस 2d 2d आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए चाहे जो आए, और इसको ऐड करोगे तो सारा 3d और d कट कैंसिल हो जाएगा, तो क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। नंबर 3, जब भी तुमको 3 मानना है तो बीच में a डाल देना, 4 मानना तो बीच में ए नहीं आएगा, फिर 5 मानना तो बीच में ए आएगा, इधर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इधर बढ़ा देना, इधर ए माइनस डी और ए माइनस 2d, ये आ जाएगा। ये बता देना तरीका, बस 3, 2, 3, 4 और 5, इसके लिए मेथड है, इसको देख लो, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए ए प्लस डी, ए प्लस 2d,
ये 3 टन, ये 4 टन, ये 5 टन, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में आता है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज स्टार मार रहे हैं, इफ ए बी सी आर एपी, समझिएगा, अगर ए फिर कुछ पूछना चाह रहा है, ठीक है, बाद में पूछ रहे हैं हर्षित, ए बता देंगे हर्षित, यहां पर बता रहे हैं इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है तो अगर सेम चीज ऐड करोगे, नंबर वन सेम चीज ऐड करोगे तीनों में तब भी वो एपी में होगा, अगर कोई चीज एपी में है और वहां एपी सीक्वेंस में सारे टर्म में तुम किए ऐड करोगे तो वो एपी में होगा। नंबर टू सेम चीज माइनस करोगे, सेम चीज आर इन एपी तब भी वो एपी में होगा, याद रखना है, सेम चीज मल्टीप्लाई करोगे तब भी वो एपी में होगा, और सेम चीज डिवाइड करोगे मतलब यही चार प्रॉपर्टी है दिमाग में रखना है, अगर 3 टर्म एपी में है ए बी सी, सेम चीज ऐड करोगे तो एपी में होगा, सेम चीज माइनस करोगे तो एपी में होगा, सेम चीज मल्टीप्लाई करोगे तो एपी में होगा, और सेम चीज डिवाइड करोगे तो एपी में होगा। ये हमको चार बार दिमाग में रखना है, जब इसका क्वेश्चन बनवाएंगे तो आपको इसको यूज करना सिखाएंगे, अभी यूज करना आप नहीं जानते हैं, तो एपी में सबसे पहले टीएन, फिर एसएन, फिर अर्थमेटिक मेन, फिर उसके बाद ये सम प्रॉपर्टीज, अब आपको क्वेश्चन बनाने से ही कुछ होगा वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो एपी से इतना ही, इससे ज्यादा एपी में कुछ नहीं है, एपी इतना ही है, आपको नया पढ़ना है जीपी और एचपी। तुम बोलोगे तो एपी क्यों पढ़ाया गया, एपी में क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छा अच्छा आएगा, इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन आएगा कम्पिटेटिव एग्जाम से लेकर हर जगह एपी से क्वेश्चन बहुत अच्छा अच्छा आएगा, तुम बनाने में तुमको टाइम लग जाएगा, ठीक है, तुम अभी सीखे नहीं हो, तुम 10th लेवल का बनाए हो, तुम बनाओगे तो बहुत चीज सीखने को मिलेगा, ठीक है, समझिएगा। इजी क्वेश्चन है ये, फिबोनाची सीरीज है, फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, हर टर्म अपना पिछला 2 टर्म का सम होता है, तो तुमको यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है एन इज इक्वल टू एन माइनस वन प्लस एन माइनस टू, यहाँ साफ लिख दिया एन ग्रेटर देन टू, मतलब एन का वैल्यू 2 से ग्रेटर डालना है, एन का वैल्यू जब 2 से ग्रेटर डालोगे तो पहले एन का वैल्यू 3 डालो, ए 3, यहाँ ए 3 में से 1 गया 2 और ए 3 में से 2 गया 1, तो ए 3 इज इक्वल टू ए 2 का वैल्यू है, ए 2 का वैल्यू है 2, फाइनली ए थ्री का वैल्यू कहीं पर देखिए ए थ्री होगा A3 होगा, निकाले होंगे अभी, जस्ट निकाले, ये देखिए A3 निकाले, A3 का वैल्यू कितना है 2 है, और जस्ट बदल लिए A2 का वैल्यू, सबसे ऊपर में A2 का वैल्यू 1 है, तो 2 प्लस 1 3 आया, मतलब आपको A4 भी निकल गया, आपको A3 जैसे निकला उसी तरह आपको A4 निकल गया। अब बोलिएगा A4 निकल गया भैया, अब क्या करें, अब n का वैल्यू 5 डालिए, n का वैल्यू जैसे 5 डालिएगा तो A5 = A5 - 1 4 + A5 - 2, मतलब कितना A3, A4 प्लस A3, A4 का वैल्यू 3 है और A3 का वैल्यू 2 है, तो A5 आ गया, तो आपको A5 का वैल्यू भी मालूम चल गया, तो आप सीक्वेंस में A1 जान गए, A2 जान गए, A3 जान गए, A4 जान गए, A5 जान गए, पर क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है, N प्लस 1 डिवाइड में ये पूछा है, भैया यहाँ लिखा है N का वैल्यू 1 लेंगे, तो ऊपर में A2 हो जाएगा, नीचे में A1 हो जाएगा, तो A2 का वैल्यू भी 1 है, A1 का वैल्यू भी 1 है, एन का वैल्यू 2 बोला है, ऊपर में A3 है, नीचे में A2, A3 का वैल्यू देखो निकाले हमें, A3 का वैल्यू 2 है और A2 का वैल्यू 1 है, 2 आएगा, फिर एन का वैल्यू 3 डालेंगे तो ऊपर में आ जाएगा A4 और नीचे आ जाएगा A3, A4 का वैल्यू देखो कहीं होगा, A4 का वैल्यू 3 है, नीचे में 2 है, 3/2, इस तरह से आपका आंसर आता जाएगा, इस तरह से आपका आंसर आता जाएगा, एन का वैल्यू 1, एन का वैल्यू 2, एन का वैल्यू 3, एन का वैल्यू 4 डालिएगा, 5 डालिएगा, आंसर आता जाएगा। ये फिबोनाची सीरीज है, यह सीक्वेंस में देखो, यह सीक्वेंस में पहला क्रम आपको क्या निकला था, पहला क्रम 1 था, यहाँ देखिए लिख रहा है 1, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 8, ये सीक्वेंस ऐसे बढ़ता जाएगा जो हम निकाल के दिखाए हैं। समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ा चीज नहीं है। तो घर का होमवर्क है 9.1 और एपी का फॉर्मूला सब देख लीजिएगा,
ज्यादा परेशानी नहीं लेना है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो हमसे पूछना है। एक बार और बता दीजिए, रुकिए ऋषभ जी बता देते हैं, चलिए सुनिएगा।